सबको दिल पे चला गया, सारे वर्गों के मतलब सारे समाजों में जाने लगा और आज उसकी वजह से हम लोग यहाँ तक। सर स्क्रीन पे दिख रहा होगा टुनटुन यादव, हालांकि मैं इन भाइयों पे उतना वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन ये भाई कुछ ऐसे बात बोल दिया है जो मुझे लगा है कि आप लोगों को बताना चाहिए। और ये बात सुन के जो ये बोले हैं, ये बात सुन के मुझे कुछ हजम नहीं हुआ है, इसलिए सोचा हूँ कि चलो आप लोगों को दिखा ही देता हूँ सच्चाई। यादव को घर घर कैसे पहुँचाया जाए, तो उन्होंने हमसे बोला कि टुनटुन तुम बड़े बोलो और आज उसके वजह से हम लोग यहाँ तक है। सुन लिए सर, इनका कहना है कि मैं बर्थडे बोलने का 500 रुपया लेता हूँ और लेता भी था पहले, लेकिन उसी बर्थडे बोलने के कारण मुझे लोग जानते हैं और मुझे हर गली चौराहे मोहल्ले हर घर घर मुझे बस इसी वजह से जाना जाता है कि मैं हर किसी का बर्थडे 500 रुपया लेकर बोलता था। और दोस्तों ये बात हमको मतलब हमको तनको हजम नहीं हुआ कि ये बात आखिर कैसे बोल सकते हैं। भाई चलो आपका पैसा है, आप बर्थडे बोलने का 500 रुपया ले रहे हैं, इसका तो सही है भाई आपका मर्जी, लेकिन भाई मुझे नहीं लगता है कि इस वजह से यानी कि ये बर्थडे बोलने के कारण इतना ज़्यादा फेमस हो गए हैं। भाई सोचो ना, कुछ दिन पहले अगर पीछे जाइएगा तो इसका मतलब कारनामा देखिएगा ना, खाली जातिवाद सॉन्ग गागा कर आज इस मुकाम तक पहुंचा है। और अब थोड़ा बहुत सुधर गया है क्योंकि अब मिक्स गाना ला रहा है, यानी कि हर प्रकार के गाना ला रहा है, क्योंकि अब एक अच्छा खासा मुकाम मिल गया है, एक अच्छा खासा नाम मिल गया है। तो यही सवाल मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या आप इनको इस वजह से जानते हैं, बर्थडे की वजह से या इनके जातिवाद वाले गाने से जानते हैं? प्लीज़ हमें नीचे कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट जरूर करके बताइएगा। तो जल्दी से जाइए और सही कमेंट कीजिए कि आप टुनटुन यादव को कैसे जानते हैं। फिर मिलते हैं अगले कोई बड़ा वीडियो के साथ, तब तक के लिए मैं सोनू, आप सभी को नमस्कार।